Welcome back to another video. I was thinking of doing daily vlogging again. क्योंकि जब भी रमजान आते हैं ना करीब आ रहे होते हैं आई फील लाइक मेरे अंदर जाग जाते हैं कि मैं रोज वीडियो डालूं. Also, I'm just gonna be doing my skincare right now. और फिर आई विल गेट रेडी. आज मेरी छुट्टी है और सो मेरी स्किन बहुत इतनी काली क्यों आ रही है. आई नीड टू गो मीट अ फ्रेंड मीरा भाई भी है लाहौर से. वो जब भी कराची आती है आई डोंट केयर व्हाट आई एम डूइंग, आई डोंट केयर मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है. अगर मीरा इज इन कराची आई विल मीट हर. मैं बहुत लोगों को ये एग्जांपल देती हूँ मेरी और मीरा की दोस्ती की बिकॉज वी डोंट हैव पिक्चर्स टुगेदर, पीपल डोंट नो दैट वी आर फ्रेंड्स. तो बहुत मजा आता है जब लोग मेरे पास आके मीरा की बुराइयां कर रहे होते हैं एंड देन आई एम जस्ट लाइक मैं पूरा सुनती हूँ एंड देन आई टेल हर कि ब्रो बी केयरफुल विद दिस पर्सन बिकॉज इससे मुझसे बुराइयाँ की हैं तो लाइक किसी और से भी की होंगी. तो आई फील लाइक इट्स ऑलवेज गुड टू हैव अ फ्रेंडशिप जो लोगों को पता ही नहीं होता कि आपकी दोस्ती भी है इस इंसान से. आई जस्ट रियली नीड टू क्विकली गेट रेडी बिकॉज मीरा विल बी हियर एनी मिनट टू पिक मी अप. आई हैव बीन कीपिंग माई मेकअप वेरी मिनिमल लेटली. जब भी मैं बाहर जाती हूँ मैं इतना मेकअप नहीं करती हूँ कि मैं अपनी स्किन को ब्रेक देना चाहती हूँ. रोज सेट पे ऑब्वियसली मेकअप होता है, इतना फुल कवरेज मेकअप नहीं होता बट स्टिल इट स्टेज ऑन फॉर अ लॉन्ग वाइल लाइक 12 आवर्स के लिए. मैं ट्राई माई बेस्ट के इतना मेकअप ना करूँ. और आजकल मैं स्किन केयर पे भी बहुत ह्यूज हुई हूँ बिकॉज स्किन को सांस लेने का टाइम नहीं मिलता, इतना मेकअप उसके ऊपर हुआ हुआ होता है फॉर सच अ लॉन्ग टाइम के कहीं ना कहीं ब्रेकआउट हो जाते हैं. खैर अभी तो मैंने बहुत ख्याल रखा हुआ है स्किन का. आई वॉन्ट टू गिव सम अपडेट्स इज वेल. आई एम ऑन अ गैप ईयर करेंटली, आई स्टार्ट अगेन नेक्स्ट ईयर. खैर आई जस्ट हैव वन ईयर लेफ्ट तो इतना मस्सा नहीं होना चाहिए. अस्सलामुअलैकुम. हाँ बोलो. ओके चेंज ऑफ प्लान्स. मुझे लगा था कि मैं मीरा के पास जाऊंगी लेकिन मीरा मेरे पास आ रही है. आईने लगाते हुए ना बोला नहीं जाता. सो आई वॉज सिवियरली एनीमिक थ्रू आउट माई लाइफ एंड आई नेवर न्यू दैट बिकॉज मुझे लगता था कि भाई जिंदगी में तारे आपको ऐसे ही दिखते हैं जब आप खड़े होते हो या आपका सर थोड़ा हिलता है. लेकिन मुझे जो बात नहीं पता थी वो ये थी कि ये नॉर्मल नहीं है, तारे नॉर्मल लोगों को नहीं दिखते हैं. आप अनीमिक हो इसलिए आपको तारे दिखते हैं. तो फिर मेरा CBC का ब्लड कल्चर जो भी होता है वो वाला टेस्ट हुआ and I got to know मेरा hemoglobin is severely down which means that of course I am anemic. तो फिर मुझे drips लगना शुरू हुई. मुझे एक drip लगी, दूसरी लगी, तीसरी लगी but I got to the normal range for a woman. मैं बीच में ready हो रही थी और कोई आ गया. कौन आया? आ गया मीरब. आ गई. Guys today we are here at Mirabali Nail Salon. ये literally हर दफा मैं कराची आती हूँ हमेशा मैं मोमना को कहती हूँ पक्का इस time देखा next time आऊँगा नाखून मेरे इतने लंबे हम लोग पता है. एक भाई मैं बता दूं अगर आपने अगर मेरी क्लिप के बाद जंप इस क्लिप पे आए ना आप मुझे लिटरली कोई 9 घंटे बाद देख लें. मोमना किसी को अपडेट ही नहीं देती यार, मतलब हम इतना फिट मैच देख रहे हैं. और ये मैं 9 घंटे बाद ब्लॉग को अपडेट कर ब्लॉग को अपडेट बैठे बैठे केचप वाले चिप्स खा रहे हैं. मैं सुबह मैंने गेट रेडी विद मी की है, बीच में मीरब की कॉल आई है. सुबह मैंने गेट रेडी विद मी की, तुम्हारी कॉल आई है मुझे. मेरा गेट रेडी विद मी ओवर हो गया. फिर व्लॉग बन गया यू पुटिंग ऑन नेल्स. अब हम मैच देखने आए हैं. ये क्या पिशी आई है? ये पिशी को पी रहे हैं आप? ये किधर से आप लोगों को ORS लग रहा है? मैंने जिंदगी में ऐसा ORS देखा ही नहीं. दाल में कुछ लिटरली पीला है. काला होता है ना दाल में? कुछ पीला है दाल में, कुछ काला है. नहीं मुझे तो दाल में क्या होता है? दाल में काला होता है. क्यों होता है दाल में लेकिन काला? मिट्टी होती है. मोमना देखो तुम नहीं बना रही, लोग लगे मैं बन गई व्लॉगर. आइटम कंटेंट मैं दे रही होती हूँ इधर बैठ क्योंकि ये बंदी इतना कुछ करती है एक दिन में एंड शी पुट्स नथिंग इन हर व्लॉग्स. मतलब अगर आप लोग को लगता है कि मोमना के लिए बोरिंग होगी ऐसी, मोमना के लिए लिट है ब्रो. मोमना दिखा दी शिट है मतलब. गुड मॉर्निंग, इट्स द नेक्स्ट डे. मैंने अभी शावर लिया है. टाइम टू गो ऑन सेट. हमें बाल गीले थे तभी हम बाल सुखा रहे हैं. आज हम लोग एक्टिंग नहीं व्लॉगिंग कर रहे हैं. आज हम व्लॉगिंग कर रहे हैं. वी हैव टेकन ओवर. आज सेट पे डायरेक्टर नहीं है ना तो ये लोग समझ जाए. मेरा इस ड्रामे में मेकअप बहुत कैसे है महमूद भाई? कुछ है ही नहीं. नो मेकअप. लेकिन अब हम करने लगे हैं. शुरू में हम कुछ भी नहीं करते थे, बिल्कुल नो मेकअप मेकअप लुक होता था. खैर अब हम थोड़ा सा करते हैं मेकअप. मैं हो गई हूँ सीन के लिए रेडी. लिपस्टिक लगाऊं? हाँ लिपस्टिक लगा. मेरा
जो कैरेक्टर है वो चश्मा भी पहनती है। कैरेक्टर yes. कोई है नहीं, मैं ही हूँ, मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं हूँ। ये माइक लगा हुआ है और ये जाते ही और ये हम पॉकेट में डाल देते हैं। दिस इज हाउ यू पुट योर माइक। मेरी एक्टिंग बहुत बुरी हो रही है गाइस, मुझे दो लाइंस में कंफ्यूज हो रही हूँ और ये हमेशा होता है, नथिंग न्यू गाइस। दिस इज दानिया एंड दिस इज नेहा, वी आर बेस्ट फ्रेंड्स और हम नहीं बता रहे। अब बाकी जानने के लिए देखते रहिएगा वेरी फिल्मी रात 9 बजे ओनली ऑन हम टीवी। आज वैलेंटाइंस डे है सो वी थॉट व्हाई नॉट सबको सरप्राइज करें विद डोनट्स। लेट्स गो सबको सरप्राइज करेंगे वैलेंटाइंस। ऑल्सो हमारे सेट पे डबल यूनिट स्टार्ट हो गया है, एक लोकेशन इधर भी शूट हो रही है, एक उधर शूट हो रही है जिधर हम अभी जा रहे हैं, सबको सरप्राइज करना है। मिट्टू बेटे सही से बोलो मिट्टू। हमने बोले बल्कि मिक्स बना रहे, चूज करने का टाइम नहीं है बस, और ना ही इतना किसी को सर पे चढ़ाना। डबल यूनिट सेट पे भी डबल यूनिट, इधर भी डबल यूनिट। आई लाइक इट। हम लोग आ गए हैं दूसरी वाली लोकेशन पे, सबको सरप्राइज करने हैं। सब किधर हैं? भाऊ इतना मेरे बर्थडे भी नहीं किया तुम लोगों ने। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। कोई हमारे बड़ा अंडरवेल, बहुत ही अंडरवेलमिंग इनको रिस्पांस मिला है और जैसे ही कैमरे बंद हुए और चले गए, ऐसे नहीं होता, सीन को डायरेक्ट करना होता है एंड तक। आप कर दे मेरे लिए। क्या मजेदार हो गया सर, क्यों हैप्पी वैलेंटाइन लाइक यू थे खुद ही गाने थे। हां वैसे क्या फायदा है, जाओ जाओ अपने घर जाओ और वापस लड़की वाले घर जाओ, हम काम करें यहां पे। खाए ना बहुत मजेदार है, सरप्राइज देने की कोशिश की और बहुत ही कोई गंदा सा सरप्राइज था बिकॉज नो वन गॉट एक्साइटेड एंड एवरीवन वाज जस्ट ईटिंग फूड, तो उन लोगों ने हमें मुंह नहीं लगाया और हम बस अब वापस घर जा रहे हैं, पुराने वाले साइड जा रहे हैं। मेरी हो गई छुट्टी तो अब मैं जा रही हूँ घर, एक ही सीन था मेरा आज, गुड डे, सुकून वाला दिन, Not much work. अब है छुट्टी टाइम, घर जाने मुझे। Shut up. Okay,